स्वागत है दोस्तों आज की एक और बहुत ही शानदार वीडियो में। आज आपको बात करने वाला हूँ सरकार की फ्री की सब्सिडी का जो फायदा है कैसे आप ले सकते हैं। अभी बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं दोस्तों, इसमें सब्सिडी के नाम पे आपको फ्री का पैसा मिल रहा है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो लोग सब्सिडी का अच्छा फायदा उठा लेते हैं सरकारी योजनाओं का, तो वो बहुत सारा पैसा तो सब्सिडी से ही कमा लेते हैं और जो धंधा उनका बनाते हैं, जो बिजनेस वो उससे बनाते हैं, वो तो उनका बन ही जाता है। तो आप भी अगर दोस्तों ये छोटी सी बात समझ गए, सब्सिडी का फायदा लेने का तरीका अगर आपको समझ गया, तो आप बहुत मोटा मुनाफा इसमें बना सकते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। आज ऐसे ही एक स्कीम के बारे में आपको बताने वाला हूं मैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना दोस्तों, आप लोग फंसते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, यानी कि जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी ने आपसे मांगी तो वो आपके पास नहीं होती और आपको बनानी भी नहीं आती है। वो सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। आज बात करेंगे हम NLM स्कीम के ऊपर, ये है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे बेसिक जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आप एक बार करके छोड़ दीजिए, उसके बाद आपका लोन जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको इसमें गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है 40% तक की। आप एक एग्जाम्पल से समझो, आपने अगर 100 बकरी और 10 बकरे का ये कार्यक्रम स्टार्ट किया तो आपको 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। तो NLM स्कीम के अंतर्गत दोस्तों अभी 5 तरीके के लाइव स्टॉक्स के ऊपर गवर्नमेंट आपको बोल रही है आप अपना काम शुरू कीजिए, हम आपको पैसा देंगे। कुछ पैसा इसमें लोन का होगा, बाकी कुछ पैसा आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो वो 5 चीजें हैं, जैसे बकरी पालन है, भेड़ पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन और गाय, यानी डेरी का आप अगर सेटअप लगाना चाहते हैं। तो ये 5 तरीके के अभी जो है प्रोसेस चल रही है जिनके ऊपर NLM स्कीम के अंतर्गत आप सब्सिडी का भी फायदा उठा सकते हैं और अपना नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम बकरी फार्मिंग के लोग। देखिए, अगर गोट फार्मिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो गोट फार्मिंग में क्या है कि जैसे आप 100 बकरी और 5 बकरी का प्रोजेक्ट लेके चलेंगे तो 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको मिल रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये गवर्नमेंट की जो NLM स्कीम है उसी का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा, 200 बकरी और 10 बकरे के ऊपर 20 बकरे के ऊपर आप ये देख पा रहे हो 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको यहाँ पे मिलती है। इसी तरीके के ये स्लैब जो है ना बढ़ता जाता है आगे। अब इसी तरीके से गोट फार्मिंग के ऊपर है, इसी तरीके से आपको जो फायदा मिल रहा है वो मुर्गी पालन के ऊपर मिल रहा है, सुअर पालन पे मिल रहा है, हर वर्टिकल्स में गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। अब ये तो चलो बात हो गई स्कीम की, इसकी डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको मैं गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दूंगा, आज वहां पे पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है और क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। देखिए, अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपकी अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाएंगे तो आपका बैंक आपके लोन को अप्रूव करेगा और गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, आप मेरा नंबर है, मेरे को व्हाट्सअप आप कीजिए, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनाई है, वर्ड फॉर्मेट में है ये, आप इसमें अपना नाम एडिट कीजिए, अपना एड्रेस एडिट कीजिए और जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसको सिर्फ आपको एडिट करना है, वो आपको मिल जाएगी और उससे आप जो है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। दूसरा, इसमें चाहिए होता है सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर आपके पास गोट फार्मिंग, मुर्गी फार्मिंग, किसी का भी कुछ 7 दिवसीय प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट्स है तो वो आप ले सकते हैं। अपने नज़दीकी जो आपके पशुधन केंद्र होते हैं वहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं वो आपको जो है दोस्तों आराम से दे देंगे वो सर्टिफिकेट आपको 7 दिन का प्रशिक्षण, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा ऐसा काम नहीं है कि आप इसके लिए इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप वो प्रशिक्षण आप आराम से उसका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपके पास जो 2 मेन चीज़ें हैं ना वो चीज़ें आपके पास आ गई हैं, बाकी तो फिर आपकी जो आधार कार्ड वगैरह जो डिटेल्स होती वो सब तो आपके पास हो गई, उसकी बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये सब 2 चीज़ें जो मेन है दोस्तों ये मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, बाकी आपको कहाँ से उसका सर्टिफिकेशन होता है वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आप NLM स्कीम के बारे में और डिटेल में जान लीजिए, मैंने इसके ऊपर और भी वीडियो बनाई हुई है वो आप देख सकते हैं, लिंक उनके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2 वीडियो बनाई हुई है कैसे अप्लाई करना, क्या क्या इसके पूरे बेनिफिट हैं। ये वीडियो था सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, कैसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिले, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे को सवाल आए कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमसे नहीं बन पा रही है, वो कहीं से हमको मिल नहीं पा रही है, उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया दोस्तों।
ये वीडियो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी शानदार वीडियो में। जय हिंद।